अब तक आप देख चुके हैं राणा सांगा अपने पुत्र भोजराज का विवाह वीरमदेव की पुत्री कृष्णा के साथ करने का प्रस्ताव भेजते हैं, जिसे वीरमदेव स्वीकार कर लेते हैं। किंतु इसी बीच जयमल कृष्णा का विवाह अपने मित्र जलमेर के राजकुमार वीर सिंह से तय कर चुका है। जयमल वीर सिंह को क्षमा याचना का पत्र लिखता है, किंतु संदेशवाहक राह में ही डाकुओं द्वारा मार दिया जाता है। एक ओर भोज की बारात आती है तो दूसरी ओर वीर सिंह की भी बारात आने की अनहोनी हो जाती है। अब क्या होगा? पूर्णिमा से एक दिन पहले का यह दिन इतना काला क्यों है और इस सन्नाटे में हमें ही लाकर यहां क्यों पटक दिया गया? ना कोई स्वागत गीत और ना ही कोई महल के व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रबंध। बाबा साहब, हो सकता है कि वो सब विवाह के प्रबंध में लगे हों, ताकि हमारे सम्मान में कोई कमी ना रह जाए। किसके विवाह का प्रबंध, किसके सम्मान में कमी? अरे विवाह तो तुम्हारा ही होना है और सम्मान भी हमारा ही उन्हें करना है, फिर ऐसा अपमान क्यों? अपमान ही है, ये कैसे कहा जा सकता है महाराज? राजा को निमंत्रण देकर दासों द्वारा स्वागत करवाया जाए, ये अपमान नहीं तो और क्या है? संबंध उन्होंने जोड़ा था, कृष्णा की बात लेकर वो आए थे हमारे द्वार पर, इच्छा उनकी थी और उन्होंने हमारे साथ ये व्यवहार किया। कहीं मेरता नरेश का मन पलट तो नहीं गया? ये कैसे हो सकता है सेनापति जी? यदि ऐसा होता तो क्या वे हमें सूचना नहीं देते? कहीं वीरमदेव ने इस बात का बदला तो नहीं लिया हमसे कि हम विदेशी सेना के साथ हाथ मिला चुके हैं? ब्याह और राजनीति ये दोनों अलग अलग बातें हैं महाराज। ये मत भूलिए पुरोहित जी कि ब्याह के लिए राजनीति हो सकती है और राजनीति के लिए ब्याह भी हो सकता है। लेकिन बाबा सर, मेरता वाले हमसे राजनीति क्यों खेलेंगे? देखो वीर सिंह, जयमल तुम्हारा मित्र है, क्या कभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम्हारे कारण जयमल को नीचा देखना पड़ा हो? नहीं बाबा साहब, कभी नहीं। मैं और जयमल तो हमेशा अच्छे मित्र ही रहे हैं। फिर तो कुछ और ही बात हो सकती है, इसमें ना तो तुम्हारी भूल है और ना ही हमारी। और इस संबंध के पीछे यदि हमारा उपहास उड़ाने की नियत है तो हम मेरता का सर झुका कर रहेंगे। लेकिन बाबा साहब, करो मत। बिना जांच पड़ताल किए कोई कदम उठाना हमारा स्वभाव नहीं है। सेनापति जी महाराज, आप महल में जाकर इस बात का पता लगाइए कि महल में क्या हो रहा है और हमारी स्थिति क्या है और ये हुआ क्यों। जैसी आज्ञा महाराज। कैसे हुआ ये सब? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा साहब। हमारी सब समझ में आ रहा है। तुम्हारा वचन तुम्हारी आन है और हमारा वचन धूल में पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं बाबा साहब। तो फिर ये अनर्थ हुआ कैसे जयमल? हमने तुम्हें कहा था जलमेर वालों को रोकने के लिए, फिर वो यहाँ बारात लेकर कैसे आ गए? मैंने दूत भेजा था, अपने हाथों से संदेश लिखकर भेजा था, मैं खुद उलझन में हूं। तो वो दूत लौटा वापस? मैंने देखा नहीं।
क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था कि तुम उसके बारे में पता करते? अभी सर पर लटकी हुई तलवार से बचने का उपाय सोचो। मेवाड़ वाले कृष्णा को लिए बगैर जाएंगे नहीं। कृष्णा को लिए बगैर तो जलमेर वाले भी नहीं जाएंगे। अब दो कृष्णा तो नहीं हो सकती। मगर दो कन्यादान तो हो सकते हैं। मेवाड़ वालों को कृष्णा और जलमेर वालों को मीरा। मीरा? हाँ मीरा, आखिर उसका भी तो विवाह करना है ना। कल ना सही आज सही, इस अनर्थ को रोकने का इससे उचित उपाय और कोई नहीं। खुशियों की शहनाई को मातम के रुदन में बदलने से रोकना है तो दो विवाह की वेदियां एक साथ सजानी पड़ेंगी। इसमें मुझे कोई दोष नजर नहीं आता। जयमल तुम जाओ और वीर सिंह के पिता से इस संबंध में बात करो। मैं बाबा साहब? हाँ तुम, तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज हम इस भंवर में फंसे हैं। तुम ही हमें निकालोगे, जाओ और जाकर बात करो। जी। कृष्णा, ये हाथ जब उनके हाथों में जाएंगे तो ये मेहंदी और भी खिलेगी। ताई साहब, देखो ना कृष्णा के हाथ में मेहंदी कितनी अच्छी रची है। लगता है सूरज की लाली उतरकर कृष्णा के हाथों पे आ गई है। देखिए ना, ऐसा कहते हैं ना, जिसके हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी रचती है उसे ससुराल का पति का बहुत अच्छा सुख मिलता है। अपनी कृष्णा कितनी भाग्यशाली है ना? ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी का होगा। दो दो बारातें चली आई है मेरी बेटी को विदा कराने। दो बारात? एक मेवाड़ से और दूसरी जलमेर से। लेकिन जलमेर वालों को तो जय भैया ने संदेशा भेज दिया था ना? वो संदेशा तो पता नहीं किस दिशा और किस देश में गुम हो गया। अब तो दो गगन एक चांद की चाहत में उतर आए हैं द्वार पर। अब क्या होगा? हमने एक कोशिश की है, अगर वो मान गए तो एक साथ दो डोलियां उठेंगी हमारे आंगन से। दो डोलियां? दूसरी किसकी? तुम्हारी मीरा। नहीं ताईसा, ये नहीं हो सकता। ये होगा या नहीं इसका फैसला कुछ ही पलों में हो जाएगा। जयमल जलमेर वालों के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर गया है। या तो वो खाली हाथ लौटना ही पसंद करेंगे या फिर कृष्णा के साथ तुम्हारी भी विदाई होगी। लेकिन बेटी, ये इस महल के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक ही मुहूर्त में दो दो कार्य संपन्न होंगे। ऐसी शुभ घड़ी बहुत कम लोगों के जीवन में आती है और आज हम भी एक साथ दो दो कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे। मैं यही कहने आई थी तुम्हें। ताईसा, क्यों होने लगी ना पिया मिलन की बेचैनी? नहीं कृष्णा, ये पिया मिलन की बेचैनी नहीं है, ये तो पिया से बिछड़ने की बेचैनी है। क्या मतलब? कृष्णा, मैं किसी और से ब्याह नहीं कर सकती। हमारे पिया तो हमारे साथ है, हमारे गिरधर गोपाल। मूर्ति वाला पिया तो रहेगा ही, उसे कौन छीन रहा है? मगर हमारी तरह वाला प्रीतम भी तो होना चाहिए ना। मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम अपने ससुराल में, मैं अपने ससुराल में। भगवान करे जलमेर वाले तुम्हारा रिश्ता स्वीकार कर ले। नहीं कृष्णा, ऐसी प्रार्थना मत करो, ऐसा श्राप मत दो मुझे। गिरधर गोपाल, मुझे अपने से अलग मत होने देना, मुझे अपने से अलग मत होने देना, ये रिश्ता स्वीकार मत होने देना, ये रिश्ता स्वीकार मत होने देना।
हेमल, हमने जो कुछ सुना है क्या वो सच है? आपने क्या सुना है? सिसोदिया भी बारात लेकर आए हुए हैं। जी। किसके लिए? मीरा को ब्याने के लिए। चलिए अच्छा ही है बाबा साहब, अब मेवाड़ और चित्तौड़ में तलवार की खनखन की बजाय एक तारे की झनझन गूंजेगी। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कोई हमारे स्वागत के लिए नहीं आया? जी वो दूसरी तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें मालूम है ना कि कल सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद का मुहूर्त है। जी। क्या बात है जयमल, जो उत्साह तुम में रिश्ता करने के वक्त था वो उत्साह आज नजर नहीं आता। मैं कुछ कहना चाहता हूं, कहना नहीं बल्कि मांगना चाहता हूं। क्या? वैसे कृष्णा तो मेरी सगी बहन है, लेकिन कृष्णा से ज्यादा गुणी है मीरा। आम से लेकर खास तक है, जो भी मीरा को देखता है बस यही कहता है कि वो जिस घर में जाएगी वहां स्वर्ग उतार देगी। सुना है कि वो अभी से ही बैरागन हो गई है। नहीं नहीं, बैरागन नहीं है वो कृष्ण का रूप है। वो सबके दिल में जगह बना लेती है, जिस जगह पे उसका पांव पड़ता है वो जगह पवित्र हो जाती है। हो जाती होगी, लेकिन ये सब बातें तुम हमें क्यों सुना रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि वीर सिंह और मीरा का रिश्ता हो जाए तो ये जोड़ी चांद सूरज की तरह लगेगी। लेकिन तुम तो कृष्णा का रिश्ता लेके आए थे ना? मीरा और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है, बल्कि मीरा कृष्णा से अधिक। सुनो जयमल, हम हीरा लेने के लिए आए हैं, पत्थर नहीं। मीरा भी रतन है। अपनी टकसाल का खोटा सिक्का भी कीमती लगता है। देखिए मीरा में कोई खोट नहीं है। तो फिर उसे किसी और की झोली में क्यों नहीं डाल देते? हमें सन्यासिनी नहीं गृहस्थन चाहिए, गृहस्थन। हमने कृष्णा से रिश्ता तय किया था और कृष्णा को ही ब्याह कर ले जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या? मेवाड़ वाले भी कृष्णा को ही चाहते हैं। क्यों चाहिए? हमारे भाग्य पर डाका डालने का हक उन्हें किसने दिया? किसने दिया? तुमने? मैंने अनजाने में कृष्णा का रिश्ता तय किया था। खेल समझ रखा था तुमने, जो माँ बाप से पूछे बिना खेलने निकल पड़े। जयमल, यहाँ बुलाकर हमारा मजाक बनाया तुमने। मैं आप लोगों को बुलाया नहीं था, मैंने संदेश भी भेजा था। कोई संदेश नहीं मिला हमें, और यदि संदेश मिल भी जाता तब भी हम कृष्णा को ही ब्याहने आते। जाओ जयमल, जाओ और अपनी मीरा को सिसोदिया के माथे मार दो। वो नहीं मानेंगे। क्या खूब, वो पत्थर जिसे वो अपने आंगन में नहीं लगा सकते हम उससे अपना सर फोड़ लें? सुनो जयमल, हमारी बहू अगर बनेगी तो सिर्फ कृष्णा बनेगी, और अगर वो राणा सांगा के घर ब्याह कर गई तो फिर युद्ध होगा, और फिर मेड़ता की धरती पर रंगोली नहीं खून की होली के धब्बे नजर आएंगे। युद्ध, फिर युद्ध। मेड़ता का भाग्य चक्र कैसा है? कैसा है मेड़ता का भाग्य चक्र जो युद्ध की धुरी के चारों ओर ही घूमता रहता है? युद्ध नहीं होगा राजन। आप इतने विश्वास से कह रहे हैं पुरोहित जी, जैसे भविष्य की हर करवट पर आपका अधिकार हो। अधिकार तो नहीं है मुझे, किंतु अभी कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र सामने नहीं दिखता है जो युद्ध की ओर संकेत करता हो। संकेत तो हमें मिल रहे हैं पुरोहित जी, जलमेर वालों के इरादे स्पष्ट हो चुके हैं। इरादे मनुष्य बनाता है रानी साहब, और मनुष्य के बनाए हुए इरादों का पूर्ण होना ना होना उस काल की दशा पर निर्भर करता है। आप पंडित हैं, इसलिए हर चाल को ग्रह दशा की शक्ति और निर्बलता के मापदंड से तौलते हैं, पर आप एक बात भूल जाते हैं कि मनुष्य के कर्म ग्रह दशा को बदल भी सकते हैं। ये संभव नहीं है कुंवर जी। ये संभव है पुरोहित जी, ये संभव है। और यदि ये संभव नहीं है तो कर्म की महत्ता का अर्थ व्यर्थ हो जाता है। मुझे दुख केवल इस बात का है, यदि इस धरती पर युद्ध हुआ तो बाबा साहब की आत्मा छलनी हो जाएगी, उनके स्वप्न फूट कर बिखर जाएंगे, उनकी प्रार्थना कामना सब बेमोल हो जाएगी, और हम
हम ये नहीं चाहते, हम किसी दशा में ये नहीं चाहते। आप चिंता न करें राजन, राव दूधा के प्रेम और शांति के मार्ग में युद्ध और घृणा के कांटे नहीं आएंगे। आपकी बात पे हमें विश्वास है, लेकिन ये मानकर कि भविष्य के फैसले हमारे पक्ष में हैं, हम सामने खड़े हालात से मुंह तो नहीं मोड़ सकते, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को मजाक समझकर भूल तो नहीं सकते। एक मनुष्य की भांति हमें प्रयास तो करना पड़ेगा ना। प्रयास तो किया है हमने मीरा को उनकी बहू बनाने का, पर वो तैयार कहाँ है? जलमेर वाले तैयार नहीं, लेकिन देवाड़ वाले तो हो सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक इंसान अपनी झूठी आन के लिए हट करना अपनी शान समझ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरा भी उतना ही जिद्दी और ना समझ हो। आपका मतलब हम मीरा को भोज से भी आ गए? इसमें बुराई क्या? बाबा साहब ठीक कह रहे हैं सर। ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी बेटियों को राजनीति के मुंह का चारा बना रहे हैं? एक ने नहीं खाया तो दूसरे के सामने डाल दिया। इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं। पुरोहित जी, आप राणा संग्राम सिंह के पास मीरा का रिश्ता लेकर जाइए। मेरे विचार से आप स्वयं जाकर उनसे बात करें तो उचित रहेगा। हमारी हर बात हमारे गले का फंदा बन जाती है। हम नहीं चाहते कि वहां से भी निराशा हाथ लगे, इसलिए आप ही जाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। आइए पुरोहित जी आइए। वीरमदेव नहीं आए? जी उन्होंने मुझे भेजा है। क्या उन्हें आना था? हम तो सोच रहे थे कि वो भी आएंगे। खैर आप भी तो उन्हीं के हैं। जी महाराज। तैयारियां हो गई? जी हमारी भी शगुन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, दुल्हन का जोड़ा भी बन चुका है। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। हम जान चुके हैं आप क्या कहना चाहते हैं। जी फिर भी आप अपने मुंह से कहें तो अच्छा होगा। ये संसार बड़ा विचित्र है महाराज, और उससे भी अधिक विचित्र हैं इसकी क्रियाएं। एक दिशा में बहता हुआ हवा का वेग अचानक दूसरी ओर मुड़ जाता है। मनुष्य समझता है कि उसने जो भी निर्णय लिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु समय आने पर परिवर्तन अवश्य होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी परिवर्तन होता है वो केवल अच्छाइयों के लिए ही होता है महाराज। जो कहने आए हैं वही कहिए पुरोहित जी। इतनी लंबी चौड़ी भूमिका में कहीं समय ही परिवर्तित ना हो जाए। मैं थोड़े से परिवर्तन की कामना लेके आया हूं महाराज। कृष्णा की जगह मीरा, यही ना? जी महाराज। जिस फूल को जलमेर वालों ने ठुकरा दिया उसे हम अपने मुकुट में लगा लें, यही ना? वो उस फूल की सुगंध को पहचान नहीं सके महाराज, वो जान नहीं सके कि वो उनके आंगन को कितना महका सकती है। हम भिखारी नहीं हैं पुरोहित जी, कि यदि धन न मिले तो अनाज लेकर ही लौट जाएं। और बच्चे भी नहीं हैं कि हमारी बांसुरी छीनकर कोई डमरू थमा दे और हम बहल जाएं। ये ऐसी बात नहीं है महाराज। ये बात नहीं है तो बहुओं की अदला बदली की योजना लेकर क्यों आए हैं आप? युद्ध से डरते हैं ये। भावुक प्राणियों को युद्ध से डरना ही चाहिए महाराज, छोटी सी बात के लिए नरसंहार करना मनुष्यता तो नहीं। छोटी सी बात? हमारे अधिकार छीन लेना छोटी सी बात है, हमारे सम्मान को ठोकर मार देना छोटी सी बात है, हमारा सर झुकाकर अपनी ताकत पर घमंड करना छोटी सी बात है। पुरोहित जी आप हमें झुकाकर तुच्छ बना देना चाहते हैं। झुकना तुच्छता नहीं महानता है महाराज, अग्नि की तरह भड़क कर उसमें सब कुछ सवा कर देना वीरता नहीं है, जल की तरह शीतल हो जाना वीरता है। और क्षत्रियता का उपयोग विनाश में ही क्यों, निर्माण में क्यों नहीं महाराज? मुझे क्षमा करें। ये उपदेश आप हमें ही क्यों दे रहे हैं?
ध्यान सिंह को क्यों नहीं देते? उससे क्यों नहीं कहते कि युद्ध से विनाश होता है, उसे रोक लो? कहा उससे जाता है महाराज जो सुन सके, मांगा उससे जाता है जो दे सके। उनकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उनको कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ है। कहना सुनना हमसे भी बेकार है। अगर वो युद्ध की ठाने बैठे हैं तो युद्ध होगा। यदि वो ये सोच रहे हैं कि हम पर भारी पड़ेंगे तो ये उनकी भूल है। हम और वीरमदेव मिलकर उनको छट्टी का दूध याद करा देंगे। हमारी और आपकी सेनाएं मिलकर जलमेर वालों को सबक सिखाने के लिए काफी है। हमारी सेना? क्यों, आप हमारा साथ नहीं देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं महाराज। ऐसी बात नहीं है फिर आपकी जबान पर यह हिचकिचाहट कैसी? जाइए और वीरमदेव को हमारा संदेश दीजिए। उनसे कहिए जलमेर वालों के विरुद्ध युद्ध में हमें उनके सहयोग की आवश्यकता है। जी महाराज, मैं हमें तुरंत इस बात का उत्तर चाहिए कि वो हमारा साथ देंगे या नहीं। और अगर उन्हें इनकार है तो हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। जी बाबा साहब, युद्ध हो के रहेगा। युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों के खून उबल रहे हैं, लेकिन लेकिन हमारी स्थिति के बारे में कोई नहीं सोचना चाहता। दोनों को कृष्णा चाहिए, ना मिली तो लड़ेंगे। और मुश्किल तो यह है कि हम किसी एक का साथ दे नहीं सकते। वीर सिंह मेरा बचपन का दोस्त है, अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो दोस्ती पे उंगलियां उठेंगी। एक मुसीबत जलमेर वालों ने खड़ी की है, दूसरी मेवाड़ वालों ने। किंतु यदि मेवाड़ वालों का साथ नहीं दिया गया तो ना तो ये देश हित में होगा ना लोक हित में। लेकिन अगर ये युद्ध हुआ तो मेरता पे लगने वाला ये ऐसा दाग होगा जिसे मिटाना असंभव होगा। हम ऐसी जगह खड़े हैं जहां एक तरफ अंगारे हैं तो दूसरी तरफ कांटे। अगर इधर जाते हैं तो जलेंगे, उधर जाते हैं तो जख्मी होंगे। इसीलिए कहता हूं तटस्थ रहना ही एकमात्र उपाय है रजनी। हम तटस्थ भी तो नहीं रह सकते हैं पुरोहित जी। हमारी तटस्थता मेवाड़ वालों के लिए मौत का कारण बन जाएगी। जलमेर वाले मेवाड़ वालों से ज्यादा ताकतवर है। वीर सिंह भोज पे भारी पड़ेगा, उनकी आपसी दुश्मनी खुल के सामने आ जाएगी। भोज के खून से अपने माथे पर तिलक लगाने की कसम वीर सिंह हर हाल में पूरी करेगा। भोज की मृत्यु निश्चित है। राणा सांगा का परिवार खुशियों की जगह मातम में बदल जाएगा। पुरोहित जी, हम करें तो करें क्या? क्या कोई नहीं है ऐसा जो हमें इस उलझन से निकाल सके? मेरे